नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, युधिष्ठिर जब दूत क्रीड़ा में हारता है उसके पश्चात द्रौपदी को केशों को पकड़कर उसको राज्यसभा में लेकर आने वाला कौन था, क्या आपको पता है उसका नाम क्या है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी भाइयों को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, वह कौन सा पांडव था जिसे वन में हनुमान जी ने भेंट दी थी? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है भीमसेन। जी हाँ दोस्तों, वनवास के समय में जब सब पांडव जो है वन में है, उस समय भीम को है अपने ताकत के ऊपर बहुत ही गर्व हो जाता है, उसके शक्ति बल के ऊपर उसको बहुत गर्व होता है। इस गर्व का हरण करने के लिए हनुमान जी उसे भेंट देते। उसके पीछे कथा बहुत ही रोचक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब वन में भीमसेन कहीं जा रहे होते तो देखते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक वृद्ध बंदर बैठा हुआ है जिसकी पूंछ पूरे रास्ते पर आई हुई है। तो भीमसेन बड़े गर्व में कहते हैं कि ए बंदर, अपनी पूंछ हटा ले। तो वृद्धत्व में जकड़ा वो बंदर कहता है कि आप तो ताकतवर दिखते हो, मैं तो शरीर से थका हूं, हरा हूं, मेरी उम्र हो गई है, मेरे से मेरी पूंछ नहीं हिलाई जाती, तो आप बड़े ताकतवर हो, कृपया हम पर एक उपकार कीजिए कि मेरी पूंछ को जो है रास्ते से हटा दीजिए। तो बड़े गर्व में और गुस्से में जो है भीमसेन उसकी पूंछ को एक हाथ से पकड़ते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं, किंतु तुझ भर भी वह पूंछ वहां से हटती नहीं है। तो भीमसेन को बड़ा आश्चर्य होता है, फिर दोनों हाथ से वो हटाने का प्रयास करता है लेकिन फिर भी पूंछ नहीं हिलती, पूरी ताकत लगा देता है फिर भी पूंछ वहां से हिलती नहीं। और यह देख भीमसेन को लगता है कि कोई ताकतवर, कोई आम नहीं है इसमें, यह कोई भगवान है, यानी कि ताकत के भगवान यदि कोई है तो हनुमान जी ही है। और वैसे ही उनके शरण में वहां पे वो लोटांगन लेता है, दंडवत करता है, और जैसे ही उसका जो गर्व है उसका पूरा हरण होता है और वहां पे हनुमान जी जो है अपने दिव्य रूप में उसको दर्शन देते हैं, यानी कि भीमसेन को दर्शन देते हैं। उसके बाद ताकत के कई सारे नियम जो है भगवान हनुमान जी अपने भक्त को, यानी कि भीमसेन को बताते हैं, और कई सारे नए नए ताकत का प्रयोग करने के एवं ताकत को, शक्ति को, बल को किस प्रकार गति चाहिए यह सब सिखाते हैं। इस प्रकार 5 पांडवों में से अर्जुन को भी एक बार हनुमान जी मिले थे, किंतु वन में यह शब्द बहुत खास था, यानी कि वन में हनुमान जी बस भीमसेन को ही दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा कल का पहला सवाल। कल का हमारा दूसरा सवाल था, वह कौन वीर था जिसकी मां अभाव के कारण चावल का घोल दूध समझकर उसको पिलाती थी? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है अश्वत्थामा। इसके पीछे बहुत ही सुंदर कथा है जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताई है, लेकिन यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारी पिछली वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए। दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब तो आपको पता ही है कि अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य और कृपी इनका पुत्र था। हस्तिनापुर में जो कृपाचार्य थे उनके भांजे थे अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य जो है उनके पिता थे और वो बहुत ही गरीब थे। इतनी गरीबी थी कि यदि बच्चा दूध मांगे तो गाय भी नहीं है उनके पास, या दूध खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, तो उनकी माता जो है चावल के घोल को अपने बच्चों को दूध कहकर पिलाती थी। तो यह देखने के बाद आगे जाके द्रोणाचार्य जो है द्रुपद राजे के यहाँ पे जाते हैं, वहां पे उनके झगड़े होते हैं, उसके बाद वो हस्तिनापुर आते हैं, गुरु बनते हैं, पांडवों को भेजकर पांचाल राज्य जीत लेते हैं, फिर द्रुपद को आधा राज्य देते हैं, आधा राज्य अपने पुत्र को देते हैं। वो बहुत ही सुंदर कथा है जो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, कल का दूसरे सवाल का सही जवाब भी आपको पता चल ही गया है कि अश्वत्थामा। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, महाभारत में वह कौन था जिसने आजीवन ब्रह्मचार्य रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसको निभाया भी था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है भीष्म पितामह। तो उसके पीछे की कथा क्या है वह देखते हैं। भीष्म पितामह जो है वह शंतनु एवं माता गंगा के पुत्र है, लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि गंगा माता जो है वापस चली जाती है अपने पुत्र को, यानी कि देवव्रत, यानी कि भीष्म को लेके। उसके बाद भीष्म को पूरा युद्ध शास्त्र में निपुण कर गंगा माता वापस शंतनु राजा के पास भेज देती है। तो शंतनु राजा बड़ा खुश होता है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि शंतनु राजा कहीं पे आखेट के ले जाता है, तो जाते वक्त देखता है कि वहां पे नदी के किनारे एक सुंदर युवती वहां पे बैठी हुई है। तो राजा उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है, लेकिन जब वो उसके पिता के पास जाता है उसकी शादी के लिए, मांग करने के लिए, तो उसका पिता कहता है कि यदि मेरी पुत्री को जो पहला पुत्र होगा उसको तू राज्य सिंहासन देगा तो ही मैं अपने बेटी का विवाह तेरे साथ कर सकता हूं।
तो उसके बाद राजा शंतनु को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसको पहले ही पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत। तो मैं देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसी भावना से राजा अपनी इच्छाओं को मारकर वहां पे वापस चला जाता है। लेकिन वो बहुत ही उदास रहता है। तो जब देवव्रत को पता चलता है कि अपने पिता इतने उदास क्यों हैं, तो सारथी से पूछता है कि क्या हुआ है, तो सारथी पूरा वृत्तांत वहां पे बताता है। उसके बाद देवव्रत जो है वो मत्स्यगंधा के पास जाता है और उसको कहता है, हे मत्स्यगंधा तू मेरे पिताजी के साथ विवाह कर ले। तो उसके बाद वो अपने पिताजी की बात जो है वो बताती है कि मेरे पिता ने ऐसा कहा है कि यदि मेरा पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठेगा तो ही मैं उनसे विवाह कर सकती हूँ। तो देवव्रत कहते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा राज सिंहासन पर, आपका और मेरे पिता का जो प्रथम पुत्र होगा उसको ही राज्य का अधिकार मैं सौंप दूंगा। उसके बाद उसके पिता कहते हैं ठीक है आप नहीं बैठोगे सिंहासन पर, आपके पुत्र आगे जाकर अधिकार मांगने लगे सिंहासन का तो हम क्या करेंगे। उसके बाद वहां पे देवव्रत जो है वो भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर न्याय धर्म और ताकत का साम्राज्य नहीं होगा तब तक मैं अपने देह से प्राण नहीं त्यागूंगा, इस हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करते रहूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की और जीवन ब्रह्मचार्य रहने की, इसी वजह से देवव्रत को नाम जो है भीष्म प्राप्त हुआ। और आगे जाकर यही भीष्म पितामह पूरे महाभारत युद्ध में आखिर तक वटवृक्ष की तरह बने रहे जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म न्याय नीति और ताकत का राज्य नहीं होता। तो दोस्तों यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि विजयी सदस्य की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सभी से हम पुनः विनती करते हैं कि हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अवश्य हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको भेंट दीजिए क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे रहस्य, कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब आपको पता चलेंगे। बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वह कौन सी स्त्री थी जिसके दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले पड़ गए थे, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय गांधारी, दूसरा पर्याय है विदुला, तीसरा पर्याय है हिडिंबा, चौथा एवं आखिरी पर्याय है कृपी। तो दोस्तों कौन था जिसकी दृष्टि से ही युधिष्ठिर जो धर्मात्मा पुण्यात्मा है उस युधिष्ठिर के नाखून, पैरों के नाखून भी काले पड़ गए थे। क्या है इसके पीछे की कथा, क्या आपको पता है? यदि इस सवाल का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की कथा हम आपको बताएंगे। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते। तो आज का हमारा दूसरा सवाल है, भगवान श्री कृष्ण का वह कौन सा पुत्र है जो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए हस्तिनापुर आया था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है सांब, दूसरा पर्याय है प्रद्युम्न, तीसरा पर्याय है सुदेशनु, चौथा एवं आखिरी पर्याय है चारुविंध्य। तो दोस्तों कौन था जो दुर्योधन की पुत्री यानी कि लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए हस्तिनापुर आया था, और तीसरा कोई नहीं भगवान श्री कृष्ण का वह पुत्र था। क्या आपको पता है यह कौन है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए ही क्योंकि अगला सवाल भी बहुत रोचक है जो आपको जानने के लिए आपको अच्छा लगेगा, और इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हमारी अगली वाली वीडियो भी अवश्य देखिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक हिंट भी हम देते हैं कि इसी पुत्र की वजह से भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंश का नाश भी हुआ था। क्या पता है उसका नाम? अवश्य ढूंढिए, किसी से पूछिए, गूगल पर सर्च कीजिए या महाभारत धर्म ग्रंथ में देखिए, लेकिन इस सवाल का सही जवाब देने का अवश्य प्रयास कीजिए। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा अंतिम एवं आखिरी सवाल क्या है वह देखते। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है, युधिष्ठिर द्वारा दूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात द्रौपदी के केशों को पकड़कर उसको सभा में कौन लेके आता है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है दुर्योधन, दूसरा पर्याय है प्रतिकामी, तीसरा पर्याय है कर्ण, चौथा एवं आखिरी पर्याय है दुशासन। दोस्तों बहुत ही महाभारत का बहुत ही टर्निंग पॉइंट हम उसे कह सकते हैं, जिस वजह से महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ था, जिस सभा में महाभारत युद्ध की चिंगारी छिड़ गई थी दोस्तों वही प्रसंग है। द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया, मात्र द्रौपदी को राज्यसभा में लाने के लिए भी उसको बालों को पकड़कर उसको खींचते हुए राज्यसभा में लेके आए थे। तो दोस्तों कौन था वो जिसने पांडवों की महारानी को बालों को खींचकर राज्यसभा में लेके आया था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारे अगली वाली वीडियो देखिए। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 3 सवाल, इन 3 सवालों का सही जवाब देने का प्रयास आप अवश्य कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।